जानवी क्या कर रही हो? बहुत खुश नजर आ रही हो आज। आज के दिन खुश है वो भी। हाँ? तुम्हारा कैमरा चालू है। तो कैमरा तो हमारा चालू ही रहता है 24 घंटे। गाइस सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग के रक्षाबंधन कैसा रहा, कैसा निकला, कैसा दिन गया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा तो कुछ खास नहीं है, हम तो यही बैठे हैं रूम पे ही। और ऐसा इतवार होता है, हर जगह भी यही होता है कि कहीं बदरा लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो अभी तक तो 2 बजे तक तो राखी स्टार्ट नहीं हुई, 2 बजे के बाद ही सब राखी बांधेंगे। तो अब आपको दिखा सकते हैं, हम तो रेडी नहीं हुए हैं, पर हमारे घर में कोई सेठ जी है, तो सेठ जी हमारे लेते हुए हैं, तो दिखाते हैं, आ जाओ। तो कार्तिक के कपड़े अच्छे भी लग रहे हैं। तो गाइस कार्तिक मेरा कैसा लग रहा है? कार्तिक मैंने कपड़े पहन रखा है और अपनी राखी दिखा रहा है। बाबू कपड़े कौन लाया था? कपड़े कौन लाया था तुमको? जे जे वाली बात। जे जे राखी भी बांध रहा है? अरे वाह, कार्तिक के बड़े अच्छे कपड़े हैं भाई। मम्मा लाए थे क्या कपड़े? मम्मा लाए थे। तो गाइस इसके कपड़े कैसे लग रहे हैं, ये कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चारे की बहन तो है नहीं, ना बुआ है, तो दुख तो इसी बात का होता है कि ना बहन है ना बुआ है। तो ये राखी बाबा की चढ़ी थी, बोले बाबा में प्रसाद तो वही बांधा है कार्तिक को। कार्तिक दिखा रहे? और गाइस चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारे घर में क्या क्या हुआ है आज, क्या क्या बना हुआ है। और हम गाइस साड़ी नहीं पहने उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार थोड़ा सा पेट में हमारे कुछ प्रॉब्लम भी हो रही थी, इसलिए साड़ी भी नहीं पहने हैं। और बाकी दिखाते हैं पति देव का लेके आए थे जो मिठाई वगैरह, वो दिखाते हैं, जो आज हम बनाए हैं वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले आइए हमारे बाबा का दर्शन कर लीजिए। और बाबा हमारे खाए पिए मस्त बैठे हुए हैं। जय बाबा की। तो भाई देखते हैं जानवी जी क्या दिखा रहे हैं आज, क्या क्या आया भाई जानवी जी के लिए। तो गाइस हम तो मायके जाते नहीं है, दुख होता है बहुत ज्यादा, लेकिन तो क्यों नहीं जाती है मायके? क्या बताऊं उसका क्या रीजन है, कभी समय आएगा तब बताएंगे क्यों नहीं जाते हैं। हमारे पति देव ऐसे हैं कि किसी भी त्योहार में जाने नहीं देते, आज सब लोग गए हैं। तो गाइस आ जाइए आप लोग, जो हमारे बड़े बूढ़े भाई हैं देख रहे हो, तो प्लीज हमारी तरफ से मिठाई खा लीजिए। तो जानवी जी का खाना देखते हैं भाई, जानवी जी ने आज खाने में क्या बनाया, क्या क्या बनाया खाने में? गाइस पहले दिखा दें क्या? ओहो जलेबी। तो गाइस ये देख लीजिए, इसमें अभी जलेबी है, ये आधी खा चुके हैं, आधी बची हुई है। तो पति तो आज के दिन तो जलेबी जरूर आती है, हमारे इधर तो जो नियम है हर साल का रक्षाबंधन में जलेबी आना आना है। मिठाई भले ना, पर जलेबी जरूर आएगी, नहीं आएगी? दो लोग हैं, पति देव को भी इतना मीठा नहीं पसंद है और हमको भी तो इस समय मीठा नहीं पसंद है, तो हम तो ज्यादा कुछ खा नहीं पाते है। और गाइस खाने में बना हुआ है, आपको दिखाते हैं, तो आप ये देख सकते हो, ये हमने बनाई थी आलू की कचौड़ी और इसी में पूरी रखी हुई है। और गाइस इतना ये पुलाव रखा हुआ है और छोला बनाई हूँ, छोला फ्रिज में रखा हुआ है, तो दिखा दूं नहीं कुछ लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। तो छोला फ्रिज में लगा दिया खराब ना हो इसलिए? तो गाइस ये देख लीजिए, ये छोला फ्रिज में लगा दिया था कि खराब ना हो। और दूसरी बात, ये ब्लॉग हमारा लेट स्टार्ट हो रहा है, खाना सुबह बना था ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा खप भी चुका है और थोड़ा बचा है। तो लेट क्यों हो रहा है तुम्हारा ब्लॉग? लेट इसलिए हो रहा है कि सभी लोग पूरा ऑडियंस अपन तुम इंतजार करता है। मॉर्निंग का टाइम हो गया है ड्यूटी का, पति देव सुबह ही चले जाते हैं 6 बजे और हम बचे। और कार्तिक का और भी चीज है ना खाने का बनाना, वो तो फल वगैरह से सबको पता है। तो गाइस मायके नहीं जाते हैं इसलिए, चले तो जाते लेकिन क्यों नहीं गए इस बार और नहीं गए हैं, क्योंकि ये हमारा बेबी जो है वो आने वाला है। और आप लोगों को पता ही कि 5वां मंथ चल रहा है हमारा, तो ऐसे हालत में जाना अच्छा नहीं है।
तो इसीलिए हम नहीं गए हुए हैं, तो आप तो मन उदास है, और जो बहनें गई हैं तो वो खूब मस्ती करें, इंजॉय करें, और अपने भाई की राखी बांधें, हमारी यही दुआ है, और भाई जो दे उसको लेके अपने घर आ जाए, ठीक है। तुम भी जाती अगर मायके तो तुमको मिलता मिलता, लेकिन जो है वो ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक बात और बता दूं कि वैसे तो कुछ चली भी जाती, लेकिन पतिदेव की हमारे बहन नहीं है, जो एक थी वो भी इंस्पायर हो चुकी है, तो इसलिए ना उनका खास होता है और ना हमारा खास होता है, तो इसलिए हम जाते भी नहीं है। तो फिर ठीक है।